It's all right. Hush. सो हेलो गाइस, मैं हूं अनिमेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी मोटर ब्लॉग्स। सो गाइस, सब लोग कैसे हो? करते सब लोग बढ़िया हो एंड बढ़िया ही रहे ना मेरे तरह। अभी इंडियन मार्केट पे 120 सीसी के अंदर अगर आप लोग बाइक बाई करना चाहते हो तो बहुत ही ज्यादा गाइस कंफ्यूज हो बहुत सारे कस्टमर, मुझे भी पता है। सो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए ये वाला कॉन्टेंट के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दो। सो गाइस, फाइनली इंडियन मार्केट पे 120 सीसी के अंदर आप लोगों को पता ही है कि हीरो ब्रांड जो है और एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया है, हीरो एक्सट्रीम 125R, एंड बहुत सालों से चल के आ रहा है इंडियन मार्केट पे होंडा की तरफ से, होंडा SP 125। इन दोनों बाइक को मैं डिटेल्स पे कंपैरिजन करूंगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग 125 सीसी के अंदर कोई बाइक लेने के लिए सोच रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो, सो आप लोगों के लिए कौन सा बाइक बाई करना बेस्ट, मतलब फायदेमंद होने वाला है, वही गाइस आप लोगों को मैं बताऊंगा। किसमें ज्यादा माइलेज, प्राइसिंग क्या है दोनों मॉडल का, फीचर्स गाइस आप लोगों को कौन सा मॉडल में ज्यादा देखने को मिलता है, एंड क्या क्या फीचर्स आप लोगों को ऑफर कर रहा है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, एंड लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा बाइक बेस्ट होने वाला है, हर एक चीज गाइस डिटेल से बताऊंगा। तो जरूर गाइस वीडियो एंड तक देखना, एंड अगर मेरे चैनल पे नए हो चैनल को गाइस अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। सो गाइस चलो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट हो गाइस लुक्स, एसपी 125 जो है ना वो गाइस थोड़ा कम्यूटर सेगमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत स्पोर्टी डिजाइन आप लोगों को मिल जाएगा। अगर साइड प्रोफाइल से आप लोग चेक करते हो, फ्यूल टैंक काउल वगैरह देखने को मिलता है, जिसके लिए एग्रेसिव लुक आप लोगों को थोड़ा बहुत मिल जाएगा। एंड फ्रंट का लुक पहले की तरह ही है, कुछ भी कैसे बदलाव नहीं हुआ है 2024 वाले मॉडल पर। एंड अगर रियर प्रोफाइल से चेक करते हो, सो नॉर्मल से मडगार्ड आप लोगों को प्रोवाइड करता है, एंड ओवरऑल सेम टू सेम लुक ही मिलेगा आप लोगों को। इसके कंपेरिजन पे अगर XT 125R की बात करूं, इसमें गाइस बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी एंड एग्रेसिव लुक आप लोग प्रोवाइड करता है, इंडियन मार्केट पे एकदम ही नया फ्रेश डिजाइन के साथ लॉन्च किया है। साइड प्रोफाइल से अगर चेक करते हो, बहुत ज्यादा ह्यूज एंड मस्कुलर फ्यूल टैंक आप लोग प्रोवाइड करता है, डुअल टोन कलर एंड डुअल पार्ट के साथ। एंड इसमें भी गाइस आप लोगों को टैंक काउल भी देखने को मिलता है, जिसके ऊपर 125R का एक बैजिंग है। एंड अगर रियर प्रोफाइल चेक करते हो तो गाइस बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी एंड एग्रेसिव लुक आप लोगों को मिलेगा, मतलब देख के एकदम ही ऐसे नहीं लगता है कि एक 125 सीसी का बाइक है, देख के लग रहा है कि एक 150 या 160 सीसी का बाइक है, इतना ज्यादा स्पोर्टी डिजाइन आप लोगों को प्रोवाइड करता है हीरो कंपनी की तरफ से। एंड कलर एंड वेरिएंट की अगर बात करूं, XT 125R पे आप लोगों को 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, सिल्वर एंड रेड, सिल्वर एंड ब्लू, एंड तीसरा और एक कलर है जो फुल्ली ब्लैक ग्लॉसी। एंड एक्सट्रीम पे आप लोगों को 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, IBS एंड विथ ABS, ये 2 वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा। एंड इसके कंपैरिजन पे SP की अगर बात करूं, SP का आप लोगों को 5 कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, एंड स्पोर्ट्स एडिशन पे और 2 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मतलब टोटल 7 कलर ऑप्शन आप लोग देखने को मिलेगा, कलर ऑप्शन ज्यादा है SP 125 पर। अगर वेरिएंट की बात करूं, 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, ड्रम मॉडल, डिस्क मॉडल एंड स्पोर्ट्स एडिशन। सो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा इस लाइट सेटअप, SP 125 पे आप लोगों को फ्रंट के साइड पे LED हेडलाइट प्रोवाइड करता है, DC कनेक्शन, मतलब जब भी आप लोग इग्निशन ऑन करोगे ऑटोमेटिक हेडलाइट जो है ऑन हो जाएगा, एंड आप लोगों को इंडिकेटर जो है बल्ब मिलता है। एंड अगर रियर टेल लैंप की बात करूं, वो भी गाइस बल्ब पे, बल्ब इंडिकेटर के साथ, एंड नंबर प्लेट लाइट जो है वो भी गाइस आप लोग बल्ब प्रोवाइड करता है। XT 125R पे गाइस आप लोगों को फर्स्ट इन सेगमेंट 125 सीसी के अंदर कोई ब्रांड जो है कस्टमर के लिए प्रोवाइड कर रहा है, वो है गाइस फुल्ली LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प विथ LED DRL, इंडिकेटर वगैरह वो भी गाइस आप लोगों को LED मिलेगा विथ कंपनी फिट हैजर्ड, मतलब आप लोग चारों इंडिकेटर को एक साथ में जला सकते हो। एंड अगर रियल लुक की बात करूं, बहुत ज्यादा स्पोर्टी लुक और मिलता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को टेल लैम्प जो है फुल्ली LED मिलता है, H शेप में LED इंडिकेटर के साथ, टायर हगर वगैरह देखने को मिलेगा जो SP 125 पर नहीं है, जिसके लिए और भी ज्यादा लुक्स जो है ना इनहेंस हो रहा है। सो थर्ड जो पॉइंट है वो गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों मॉडल के लिए, वो है गाइस इंजन, मतलब हार्ट के बारे में बात करते हैं। सो होंडा SP 125 का जो इंजन है गाइस BS6 कॉम्प्लाइंट OBD2 एंड Phase 2 का अपडेट के साथ 2 बल्ब मिलता है, एयर कूल फ्यूल इंजेक्टर देखने को मिल जाएगा, एंड 124 cc, एंड पावर प्रोड्यूस करता है 10.72 bhp एट द रेट 7500 rpm, एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 10.9 Nm एट द रेट 6000 rpm। किक स्टार्ट गाइस मिल जाएगा दोनों मॉडल पर ही, एंड 5 गियर ट्रांसमिशन आप लोग देखने को मिलता है। कंपनी क्लेम कर रहा है इस बाइक का टॉप स्पीड 100 तक अप्रोक्स। एंड इसके कंपेरिजन पे अगर एक्सट्रीम की बात करूं, हीरो एक्सट्रीम 125R है, सो ये मत समझ लेना कि इसमें ग्लैमर या दूसरा जो हीरो का 125 cc का बाइक है उसका इंजन ही मिलता है, नहीं गाइस एकदम ही न्यू इंजन आप लोगों को मिलेगा नया टेक्नोलॉजी के साथ। इसमें भी आप लोगों को स्प्रिंट EVT मिलता है, मतलब इंजन बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी, जिसके लिए
आप लोगों को पावर रिस्पॉन्स एंड पहले से इंजन जो है बेहतर मिलेगा। सो वो भी गाइस एयर कूल इंजन है, सिंगल वाल्व के साथ आता है, बेसिक्स कॉम्पैक्ट ओबीडी2 फेज 2 का अपडेट के साथ 124.7 सीसी एंड पावर प्रोड्यूस करते 11.4 बीएचपी एट दैट 8250 आरपीएम। सो बीएचपी एसपी से थोड़ा ज्यादा है एंड टॉर्क की बात करूं 10.5 न्यूटन मीटर एट दैट 6000 आरपीएम। टॉर्क ओवरऑल दोनों का ही आप लोगों को सेम देखने को मिल जाएगा। 5 गियर ट्रांसमिशन आप लोग देखने को मिलता है विथ फ्यूल इंजेक्टर। लेकिन एसपी में जो गियर शिफ्टर है ना, हिल एंड टो दोनों ही मिलता है, लेकिन XT120R स्पोर्ट्स एडिशन पे आता है, इसके लिए सिर्फ आप लोग टो का ऑप्शन देखने को मिलता है। SP125 को ऑलरेडी मैंने राइड कर चुका हूँ, इंजन में थोड़ा बहुत दिक्कत है, मतलब इंजन जो है बहुत ज्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड प्रोवाइड करता है, क्योंकि होंडा का इंजन आप लोगों को पता ही है कितना बढ़िया होता है। लेकिन दिक्कत यही है कि गाइस गियर मिसिंग करता है, जो लोग अभी तक यूज कर रहे हो उन लोगों को पता है। तो मान लो सेकंड गियर से थर्ड गियर पे आप लोग शिफ्ट कर रहे हो, बहुत टाइम ऐसा होता है कि गियर मिस करके सेकंड गियर पे आ जाता है। सो ये थोड़ा दिक्कत है, मतलब गियर जो थोड़ा बहुत हार्ड मिलता है, क्लच गाइस बटरी स्मूथ है। एंड अगर हीरो के इंजन की बात करूं, हीरो का इंजन बहुत सालों से थोड़ा बहुत जो है बैड रिपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि चलते चलते बाइक बंद हो जाता है या सेल्फ देने से बाइक स्टार्ट नहीं होता है। ये इशू गाइस बहुत सारे कस्टमर जो है फेस कर रहा है। अभी पता नहीं न्यू XT125R पे ये सारा दिक्कत सॉल्व हुआ या नहीं। फरवरी 2020 के बाद से हर एक शोरूम पे आप लोगों को XT125R का जो न्यू मॉडल है वो देखने को मिल जाएगा। एंड XT125R पे गाइस आप लोगों को इंजन काउल देखने को मिलता है, जिसके लिए लुक्स और भी ज्यादा बढ़िया लगता है, प्रीमियम फील मिलेगा आप लोगों को, लेकिन SP125 पर वो देखने को नहीं मिलता है। सो इसके बाद जो पॉइंट हो गए सस्पेंशन के ऊपर, SP125 पे आप लोगों को फ्रंट के साइड पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर पे 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक अब्जॉर्बर आप लोग प्रोवाइड करता है। SP125 मैंने ऑलरेडी राइड कर चुका हूँ, इसका फ्रंट सस्पेंशन बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन रियर सस्पेंशन बहुत ज्यादा स्टीफ है, मतलब हार्ड आप लोगों को मिलता है। अगर बहुत ही ज्यादा खराब सी रोड आप लोग राइड करोगे उस टाइम पे कहीं झटका वगैरह बहुत ही ज्यादा महसूस होगा। एंड इसे कंपेरिजन में अगर XT125R की बात करूँ, फास्ट इन सेगमेंट गाइस आप लोगों को फ्रंट के साइड पे 37mm डायमीटर के साथ कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है एंड रियर पे आप लोगों को 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। तो सस्पेंशन वाइज गाइस एक्सट्रीम पे आप लोगों को बेहतर मिलेगा, क्योंकि फ्रंट पे मोटा सा सस्पेंशन मिलता है, मतलब 37mm डायमीटर के साथ एंड रियर पे मोनोशॉक, सो कंफर्टेबल राइड आप लोगों को ज्यादा XT125R प्रोवाइड कर पाएगा। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोई भी मशीन के लिए, वो है गाइस ब्रेकिंग। SP125 पे आपको ड्रम एंड डिस्क का ऑप्शन देखने को मिलता है। ड्रम अगर लेते हो फ्रंट एंड रियर पे 130mm का मिलेगा एंड अगर डिस्क मॉडल लेते हो उसमें फ्रंट के साइड पे 240mm का मिलता है। इसमें गाइस आपको CBS देखने को मिलेगा, मतलब क्रॉम्बी ब्रेक सिस्टम। एंड XT125R पे फास्ट इन सेगमेंट 125cc के अंदर हीरो कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रहा है सिंगल चैनल ABS। अगर सिंगल चैनल ABS मॉडल बाय करते हो तो फ्रंट के साइड पर 276mm का डिस्क मिलेगा एंड रियर पे 130 का ड्रम। एंड अगर IBS मॉडल लेते हो वो भी गाइस कॉम्बी ब्रेक सिस्टम ही है, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जिसका नेम है गाइस IBS शॉर्ट फॉर्म। इस पर गाइस आप लोग फ्रंट के साइड पे 240 एंड रियर पे 130 का आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिलेगा। सो गाइस नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा फेवरेट पॉइंट है वो गाइस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। SP125 पे आप लोग फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, स्पीड गियर पोजीशन इंडिकेटर क्लॉक डिस्टेंस टू एम्प्टी रियल टाइम माइलेज हर एक फीचर जो प्रोवाइड करता है। एंड इसके कंपैरिजन पे XT125R जो है 160 की तरह ही आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा, फुली नेगेटिव डिस्प्ले है, लेकिन इस पे गाइस फीचर्स आप लोगों को ज्यादा प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इस पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलता है, जिससे फायदा है कि आप लोग कॉल अलर्ट मैसेज अलर्ट हर एक फीचर्स जो मिलता है इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे, गियर पोजीशन इंडिकेटर, RPM मीटर, सर्विस रिमाइंडर, साइड स्टैंड वार्निंग, बहुत ही ज्यादा फीचर लोडेड आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट कंसोल प्रोवाइड करता है। SP125 पे गाइस आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता है, लेकिन XT125R पे गाइस कंपनी फिट आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगा, ये भी एक गाइस बहुत ही बढ़िया चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं टायर्स एंड व्हील्स के बारे में। SP पे गाइस आप लोगों को फ्रंट के साइड पे 80x100 सेशन की ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड करता है 18 इंच के अलॉय व्हील के साथ एंड रियर पे 100x80 सेशन की ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड करता है। एंड XT125R पे फ्रंट पे 90x90 सेक्शन की ट्यूबलेस टायर 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ, मतलब 1 इंच जो है व्हील छोटा है एंड टायर सेक्शन जो है ज्यादा फैट मिलेगा एंड रियर पे 120x80 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर मिलता है 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। सो ज्यादा फैट टायर आप लोगों को XT125R पे ही मिलता है, ये भी एक गाइस लुक वाइज एंड अगर आप लोग हाई स्पीड पर राइड करोगे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आप लोगों को प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि टायर सेक्शन जो है वो बड़ा है, फैट टायर आप लोगों को मिलेगा 120cc के अंदर। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो गाइस सीट के बारे में। SP125 पे आपको सिंगल सीट देखने को मिलता है एंड थोड़ा बहुत हार्ड है, मतलब मीडियम सॉफ्ट आप लोगों को कुशनिंग मिलेगा। सीट हाइट की अगर बात करूं 790mm का सीट हाइट मिलता है एंड XT125R पे स्प्लिट सीट मिलेगा, सीट हाइट है 794mm। इस मॉडल पे ना गाइस आप लोगों को स्प्लिट गैबरेल मिलेगा, स्प्लिट सीट देखने को मिलता है, टायर हगर देखने को मिलता है,
अगर आप लोग कॉम्यूटर सेगमेंट में बाइक ढूंढ रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग SP125 की तरफ जाओ, क्योंकि उसमें आप लोगों को कंफर्ट ज्यादा मिलेगा क्योंकि सिंगल सीट है। लेकिन XT125R गाइस स्प्लिट सीट है तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। अगर आप लोग स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर पसंद करते हो तो उन लोगों के लिए मैं प्रेफर करूंगा XT125R। सो SP125 कार्ड वेट है 117 kg एंड XT125R का कार्ड वेट है 136 kg। सो बॉडी वेट थोड़ा ज्यादा है एक्सट्रीम का। एंड अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं, एसी पे आप लोगों को 160 mm का मिलता है एंड एक्सट्रीम पे 180 mm। सो एसपी से एक्सट्रीम पे आप लोगों को ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। सो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा फ्यूल टैंक एंड माइलेज। एसपी पे गाइस आप लोगों को मेटल का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है एंड दोनों मॉडल पे E20 फ्यूल को सपोर्ट करता है, मतलब 80% पेट्रोल एंड 20% इथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल के साथ भी आप राइड कर पाओगे। 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है एसपी का। माइलेज आप लोगों को मिल जाएगा 60 से 65 तक। एंड एक्सट्रीम की अगर बात करूं, एक्सट्रीम का जो फ्यूल टैंक है वो 10 लीटर का कैपेसिटी के साथ मिलता है। माइलेज कंपनी क्लेम कर रहे 66 का। अभी तक इंडियन रोड पे नहीं चला है, मतलब सिटी कंडीशन पे नहीं चला है। सो अभी एक्सट्रीम का एग्जैक्ट माइलेज मैं नहीं बता सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन ऑन पेपर की अगर बात करूं सो एक्सट्रीम पे आप लोगों को ज्यादा मिल रहा है। तो चलो ये बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। इन कोलकाता में प्राइस बताऊंगा दोनों मॉडल का ही। SP125 अगर आप ड्रम वेरिएंट लेते हो उसका ऑन रोड प्राइस है 1,02,179 रुपीज एंड अगर डिस वेरिएंट लेते हो उसका ऑन रोड प्राइस है 1,06,585 रुपीज एंड अगर टॉप मॉडल मतलब स्पोर्ट्स एडिशन को आप लोग बाय करते हो उसका ऑन रोड प्राइस है 1,07,191 रुपीज। सो एक्सट्रीम की अगर बात करूं, XT125R का IBS मॉडल का जो ऑन रोड प्राइस है इन कोलकाता 1,11,740 रुपीज एंड ABS अगर लेते हो मतलब टॉप वेरिएंट इसका ऑन रोड प्राइस है 1,16,461 रुपीज। सो मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा बाइक बढ़िया होने वाला है। देखो एक्सट्रीम आया है अभी मार्केट पे लेकिन इंडियन रोड पे अभी तक नहीं आया है, सिटी कंडीशन पे राइड नहीं हो रहा है तो अभी तक एक्सट्रीम के बारे में कुछ भी बता नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर एसपी की बात करूं, एसपी का इस इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा कस्टमर जो यूज करता है, एसपी का इंजन बहुत ही बढ़िया होता है, बॉडी जो है वो भी गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। सो लॉन्ग टर्म के लिए एसपी ज्यादा बढ़िया होगा एंड देखते हैं न्यू हीरो XT125R इंडियन मार्केट पर चलने के बाद कैसा क्या रिस्पॉन्स होता है, उस टाइम में मैं गाइस और एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। सो अगर आप लोग कॉम्यूटर सेगमेंट के अंदर बजट थोड़ा टाइट है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग XT125 बाय करो, क्योंकि इंजन वगैरह बढ़िया मिलता है, इसमें भी गाइस एलईडी लाइट वगैरह आपको मिल जाएगा, कॉम्यूटर सेगमेंट का बाइक है। एंड अगर प्राइसिंग का कुछ भी आप लोगों को दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्पोर्टी डिजाइन, स्पोर्टी लुक, स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर आप लोग पसंद करते हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग XT125R को बाय करो। थोड़ा प्राइसिंग भी आप लोगों को डिफरेंस मिल जाता है। अगर टॉप वेरिएंट को देखते हो दोनों मॉडल का ही, सो आप लोग 9,000 का प्राइसिंग पे भी डिफरेंस मिलता है। सो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना इन दोनों मॉडल में से आप लोगों को ज्यादा कौन सा बाइक बढ़िया लगता है एंड कौन सा बाइक आप लोग बाय करोगे। सो यही था गाइस आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पे नए हो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। सो बाय।